जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय टीम बांग्लादेश की टीम को एशियन गेम 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में बुरी तरह से हरा कर अब एशियन गेम 2023 के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, एशियन गेम 2023 के फाइनल मुकाबले में पहुंचते ही भारतीय टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अफगानिस्तान की टीम को फाइनल मुकाबले में बुरी तरह से हरा कर इस एशियन गेम 2023 के गोल्ड मेडल पर अपने कब्जे करने के लिए भारतीय टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सभी को बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले में हमारी भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को 9 विकेट के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को हराकर एशियन गेम 2023 के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है। और एशियन गेम 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला 5/11 बजे शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच फाइनल मुकाबला की शुरुआत 7 अक्टूबर यानी कि आज दोपहर 6:30 बजे होने वाली है। यह मुकाबला फिर से चीन के ग्वांगझो शहर में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह मुकाबला अभी उसी मैदान पर खेला जाने वाला है जिस मैदान पर अभी तक एशियन गेम 2023 के सारे मुकाबले खेले गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस मैदान को भारतीय टीम के लगभग सभी खिलाड़ी जान चुके हैं। इसलिए दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में भी अफगानिस्तान को बुरी तरह से हराकर इस गोल्ड पर जीत हासिल करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में ऐसे तुरंत रूप एंट्री करा दी है। इसके बाद भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने से भारतीय टीम की जीत अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ इस मुकाबले में अब पूरी तरह से पक्की हो गई है। तो दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एशियन गेम 2023 के फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को पूरी तरह से हराकर गोल्ड पर अपना कब्जा करने के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं और क्या रहने वाली है अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ इस मुकाबले में भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, बताएंगे आप सभी को आज की इसकी वीडियो में पूरी खबर। इसलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दें कि इस फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बैटल में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जसवंत मैदान पर पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एशियन गेम 2023 में अपने बैटल से शानदार प्रदर्शन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जसवंत इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ गेंदबाजों की धजिया उड़ाने के लिए भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाने के लिए और फिर गोल्ड पर कब्जा दिलाने के लिए अभी से ही पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और प्रैक्टिस में यशस्वी जसवाल ने खूब पसीना बहाया है। आप सभी को बता दें कि दोनों ओपनर बल्लेबाजों के अलावा तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के कमाल का प्रदर्शन कर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाने वाले तिलक वर्मा अब एक बार फिर से भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं। जबकि दोस्तों, तिलक वर्मा के अलावा इस मुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे नंबर पर शिवम दुबे को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है क्योंकि दोस्तों, शिवम दुबे अभी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और हालांकि दोस्तों, शिवम दुबे भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों, शिवम दुबे उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते लेकिन चौथे नंबर पर आकर खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। जबकि दोस्तों, शिवम दुबे के अलावा पांचवें नंबर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस मुकाबले में पांचवें नंबर पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह इस फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान की गेंदबाजियों की धज्जियां उड़ाने के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं। रिंकू सिंह के अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने छठे नंबर पर जितेश शर्मा को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया है और जितेश शर्मा भी अभी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं जितेश शर्मा के अलावा सातवें नंबर पर वासीकुट्टन सुंदर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और वहीं आठवें और नौवें नंबर पर अब्जाद अहमद और रवि बिश्नोई गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। वही दसवें और ग्यारहवें नंबर की बात करें तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आर के साई और संदीप सिंह को गेंदबाजी करने का मौका दिया। ये थी हमारी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।